Good morning, students. Welcome to my class. In the previous class, we discussed about need of networking and we discussed about advantages of network. So in this class, we'll discuss about types of network. This is very important topic for our exam purpose. So आज हम लोग यहाँ पे type of network के बारे में details में discuss करेंगे और next जो topic है that is called network components. Components के बारे में discuss करेंगे. What are the components important in our networking system? Okay. So हम लोग start करते हैं. Let's get started. So this is the first slide. Types of network. ये हम लोग का पहला topic है इस slide का. So there are different types of networks. जो पहला type है that is called LAN, local area network. The second topic is MAN, Metropolitan Area Network. Then the third is WAN, Wide Area Network. And then is PAN, that is called PAN, means Personal Area Network. Okay. So local area network क्या होता है? ठीक है? Local area network is used when two or more computers or peripheral devices are connected within a small area, like a room. ऑफिस बिल्डिंग और ए कैंपस. ठीक है, लाइन को थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखो. लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हमेशा दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में वो एक मतलब वहां पे यूज होता है. ठीक है, मैक्सिमम टू मतलब मिनिमम टू से ज्यादा. ठीक है, टू और मोर कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस. यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम बोला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस? पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लोग अटैच करते हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं. ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क दो और दो से ज्यादा और कोई एक्सटर्नल जो डिवाइस है उसके साथ एक स्मॉल एरिया में एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरिया में सपोज कोई भी एक, जैसे तुम लोग का घर का एक एरिया है. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड. ठीक है, ये भी एक फ्रेंड है. तो पूरा मतलब जितना सारा फ्रेंड्स है उन लोगों ने मतलब क्या एक पर्सनल नेटवर्क को बिल्ड किया. ठीक है, कुछ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कुछ चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल्स को. ठीक है, तो वो जो एक नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. मतलब वो जो नेटवर्क होगा वो लोकली इस एरिया के अंदर ही वो लिमिटेड होगा. ठीक है, बाहर में अगर हम लोग जाएंगे तो ये नेटवर्क काम नहीं करेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. उसका एक रेंज होता है. द मैक्सिमम रेंज ऑफ एन लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी 10 किलोमीटर. उसका जो रेंज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 किलोमीटर हो सकता है. ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इन ए लैन वेरियस फ्रॉम 2 to 1000. मतलब 2 से लेके 1000 के बीच में वो कंप्यूटर्स को वो मतलब एक नेटवर्क में वो अटैच कर सकता है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. द हार्डवेयर As well as software resources are shared through LAN. मतलब LAN से हम लोग क्या शेयर कर सकते हैं? जो software resources है, जो भी हम लोग का फाइल है. ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस है, कोई मतलब लाइक ड्राइवर हो सकता है, ड्राइवर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, हम लोग हार्डवेयर का जो रिसोर्सेस है उसके साथ साथ हम लोग सॉफ्टवेयर का रिसोर्सेस भी हम लोग शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ओके. ए लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. कौन सा कॉम्पोनेंट्स? टू और मोर कंप्यूटर्स, वो तो चाहिए. ठीक है, दो से ज्यादा कंप्यूटर्स चाहिए, क्योंकि दो से ज्यादा कंप्यूटर्स होगा तभी तो मतलब एक नेटवर्क बिल्ड होगा. मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक जाएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक आएगा. ये सुन लो. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर से क्या होगा, ये जितना सारा कंप्यूटर्स है वो क्या होगा, एक नेटवर्क में कनेक्टेड होगा. ठीक है, जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को मतलब कोई अगर फाइल्स अगर सेंड हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक ऑपरेशन तो मेंटेन होगा. तो उस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर्स का जरूरत होगा. तो एक सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पे चाहिए. ठीक है, तो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. नेक्स्ट, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा. अगर कोई पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कोई दुकान में अगर जाते हो, जैसे तुम लोगों ने देखा कि पूरा कंप्यूटर एक साथ जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, और एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के साथ स्कैनर मतलब या तो प्रिंटर यहाँ पे अटैच है. ठीक है, तुम कोई भी एक कंप्यूटर से उसको प्रिंट करोगे तो मतलब दूसरा कंप्यूटर मतलब स्कैनर मतलब वो तुम्हारा कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है प्रिंटर, लेकिन वो दूसरा एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है प्रिंटर. ठीक है, फिर भी वो प्रिंट तुम्हारा निकलता है. क्यों निकलता है? क्योंकि वो कनेक्शन में मतलब वो नेटवर्क में कनेक्टेड है. ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, वो भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर. ठीक है ना,
तो एक कंप्यूटर से अगर कोई प्रिंट हो गए तो दूसरा कंप्यूटर से अगर जो भी अटैच होगा प्रिंटर वो उससे वो प्रिंट निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, केबल्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, और क्या चाहिए, केबल चाहिए। डेफिनेटली केबल्स तो नहीं होने से कनेक्टेड नहीं होगा, तो केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मच लार्जर देन ए लैन, वो लैन से थोड़ा ज्यादा है, लैन सेटअप से, एंड इज स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी, वो सिटी के अंदर में स्प्रेड होता है, ठीक है। एक जो मैन होता है वो एक सिटी के अंदर में हम लोग उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। Since it can cover a entire city, it is called a man. तो ये क्या है? एक city को cover करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Man बोलते हैं, ठीक है? मतलब full form क्या है इसका? Metropolitan area network, ठीक है? The most common example of a man type network in our daily life is a cable television network. अच्छा, जो ये बहुत ही अच्छा example है, जैसे हम लोग cable TV देखते हैं ना, तो केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो एक सिटी के अंदर में वो लिमिटेड होता है, ठीक है। सिटी के बाहर में अगर जाओगे तो उसका केबल का कनेक्शन मिलता नहीं है, ठीक है। वो एक सिटी के अंदर में उसका नेटवर्क बिल्ट होता है, ठीक है। तो जो भी तुम लोग केबल कनेक्शन देखते हो, ठीक है, तो वो जो है नेटवर्क वो एक सिटी के अंदर में है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे, वो जो केबल टीवी टेलीविजन का जो नेटवर्क है। तो एग्जाम में आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेन टाइप नेटवर्क, तो तुम लोग दोगे केबल टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है। ओके, द मेन पर्पस ऑफ ए मैन इज ऑल्सो शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शेयर करना उन लोगों का मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन कैन बी 50 किलोमीटर, उसका रेंज कितना है? मैक्सिमम 50 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसका रेंज थोड़ा ज्यादा होगा। वाइड एरिया मतलब वो बहुत ज्यादा जो एरिया है उसको कवर करेगा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन वी हैव टू और मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस लिंक बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स, ठीक है। जो ये वाइड एरिया नेटवर्क है वो मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एरियाज को कवर करता है, ठीक है। मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होगा, अगर वो एक कंप्यूटर अगर अमेरिका में भी है और अगर इंडिया में भी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेट होगा, या तो सैटेलाइट्स या तो कोई फाइबर ऑप्टिक केबल्स या तो कोई बहुत बड़ा बड़ा केबल्स के अंदर में अंदर से होगा। मतलब समुद्र के नीचे से बहुत बड़ा केबल हम लोग का जाता है कि नहीं, तुम लोग को पता होगा शायद, ठीक है। सी के नीचे से हम लोग का केबल जाता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वो बहुत बड़ा बड़ा केबल्स होता है, ठीक है। ओशन से, ओशन का मतलब नीचे से जाता है वो केबल्स, समुद्र के नीचे से वो केबल्स लेके जाता है, ठीक है। मतलब दो कंट्री को लिंक करने के लिए, सब यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, तो दोनों कंट्रीज को अगर लिंक करना है नेटवर्क से तो क्या होगा, वो समुद्र के नीचे से केबल लेके जाता है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा एक तरीका है वो सैटेलाइट से वो लोग कम्युनिकेट होता है सैटेलाइट से, ठीक है। तो मैक्सिमम सैटेलाइट या तो केबल से वो लोग कनेक्टेड होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेन नेटवर्क इज आवर डेली लाइफ इज द इंटरनेट व्हिच इज जनरली यूज इन हाउस स्कूल्स नेक्स्ट बैंक्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो भी हम लोग का वेन जो हम लोग यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हम लोग का जो इंटरनेट है जो हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, ठीक है। लाइक गूगल हम लोग यूज करते हैं, गूगल का जो वेब सर्वर कहाँ पे है वो मतलब सिलिकॉन वैली में है, ठीक है, वहां से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क वो क्रिएट हो रहा है थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा दुनिया में हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई फेसबुक कर रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका में कोई फेसबुक कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको मैसेज कर सकता हूँ ना। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम और उसका सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, ये सुन लो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। The main characteristics of a WAN WAN is the requires a public telecommunication media to transfer data. तो wide area network के लिए क्या चाहिए, एक public telecommunication media चाहिए जहाँ से वो network मतलब जो data होगा वो transfer होगा, ठीक है। एक public telecommunication media मतलब medium चाहिए, मतलब यहाँ से अगर data यहाँ तक जाएगा definitely यहाँ पे कुछ mediums तो रहना जरूरी है, या तो यहाँ से data यहाँ तक जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेली कम्युनिकेशन मीडिया यहाँ पे जो होगा, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन सब सिस्टम भी बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है, पूरा नेटवर्किंग को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राउटर होगा, स्विच होगा, हब्स होगा, आईएसपीस होगा, ठीक है, गेटवे होगा, बहुत सारा चीज यहाँ पे होगा।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक से उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। तो ये क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, हम लोग पर्सनली उसको उसको बिल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल पर्सन। इट कंसिस्ट ऑफ ए डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप चाहिए या तो लैपटॉप चाहिए, ए मोबाइल फोन या तो एक हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए, सच एस पीडीएस एंड सब स्मार्टफोन। यू कैन यूज दिस नेटवर्क टू, हम लोग इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर फाइल्स, इंक्लूडिंग ईमेल, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट्स, डिजिटल फोटोज एंड म्यूजिक, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जनरली कवर्स ए रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स, अबाउट 10 फीट, 10-30 फीट। तो उसका जो मतलब रेंज होगा वो 30 फीट, मतलब सॉरी इसका 10 मीटर्स होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मीटर्स होगा उसका फिट, सॉरी मतलब उसका रेंज, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ही स्मॉल। और उसका जो फिट होगा वो अगर नीचे से है तो उसका फिट कितना होगा, वो अगर कोई नीचे से वो यूज कर रहा है 30 फीट से होगा, ठीक है, मैक्सिमम 30 फीट होगा, उससे नीचे नहीं होगा। ओके तो नेक्स्ट जो भी हम लोग का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क कंपोनेंट्स। अच्छा ये फिगर है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, देखो यहाँ पे एक मैंने घर में सपोज मैंने एक एरिया में नेटवर्क सेट किया, सेटअप किया, तो मैं अपना घर में ये कंप्यूटर्स के साथ मैं अपना मोबाइल को कनेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं अपना लाइक यहाँ पे माइक को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक माइक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मतलब ये जो डिवाइसेस है ये डिवाइसेस मेरे घर में है और ये डिवाइसेस डायरेक्टली मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। हॉटस्पॉट भी बोल सकते हो, हॉटस्पॉट को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। हॉटस्पॉट तुम लोग यूज करते हो कि नहीं घर में, हॉटस्पॉट जो होता है, तो ये एक मतलब वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स। What is called network components? Network components मतलब जो भी components मतलब network में use होता है, ठीक है, हम लोगों को internet का जो facilities है उसको मिलने के लिए जो भी मतलब components basically use होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चाहिए that is called a server, very important. Server क्या होता है, a server is a powerful computer. सबसे important, a server is a powerful computer, ठीक है, बहुत ही powerful computer है With high speed, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड है जो सर्वर का स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड ए ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, सर्वर्स कैन लिंक अदर कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टूगेदर टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सर्विसेस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक यूजर्स, ठीक है। सर्वर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या सीखा हम लोग ने कि सर्वर एक बहुत एक कंप्यूटर ही होता है, सर्वर इज बेसिकली कंप्यूटर बट एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है और उसका स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा है, उसका हाई स्पीड है, ठीक है, एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, उसका जो प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है जो जनरल हम लोग का कंप्यूटर है उससे, ठीक है। तो जो भी मतलब सर्वर्स का काम क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर है या तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोग का पब्लिक सेक्टर में अगर बोला जाए कि गूगल, गूगल भी एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो कंपनी है, ठीक है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, डेफिनेटली मैक्सिमम जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल में ही सर्च करते हैं, ये सुनो। तो गूगल भी एक सर्वर है, तो गूगल के पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, सर्वर में। तो वहां से अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट करेंगे, सपोज मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज मैं टाइप करूंगा अपना ब्राउजर में, तो डायरेक्टली गूगल का सर्वर से मुझे एक रेस्पॉन्स आएगा, मतलब मेरा जो सिस्टम है उस पर शो हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, ब्राउजर में। तो मैं टाइप करूंगा, गूगल मुझे रेस्पॉन्स करेगा, उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सर्वर से मुझे रेस्पॉन्स मिला, मतलब सर्वर क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मशीन हो गया जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है, व्हेन यू एंटर ए क्वेरी इन ए सर्च इंजन, ऑलरेडी मैंने बोला ये, ठीक है, मैं जब भी हम लोग सर्च इंजन या तो गूगल ब्राउजर, सर्च इंजन पता है कि नहीं, याहू, गूगल क्रोम, दीज आर द सर्च इंजन, ओके, जहां पे हम लोग सर्च करते हैं, ब्राउजर अलग है, सर्च इंजन अलग है, हमेशा याद रखना। द क्वेरी इज सेंड फ्रॉम योर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, जो क्वेरी है वो हम लोग यहां से सेंड करेंगे ओवर द क्वेरी इज, यहाँ पे लिख थोड़ा मतलब यहाँ पे वो आया नहीं अच्छे से, द क्वेरी इज सेंड फ्रॉम योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट टू यूजर्स दैट स्टोर इंटरनेट ओवर द इंटरनेट टू टू द सर्वर, ओके, जो क्वेरी है वो कंप्यूटर से कहाँ तक जाएगा, डायरेक्टली सर्वर तक जाएगा, ठीक है, दैट स्टोर ऑल द रिलेवेंट वेब पेजेस, मतलब
मतलब जो भी हम लोग अपना सर्च इंजिन, ये हम लोग का सिस्टम है सर्च इंजिन, तो यहाँ से हम लोग जो भी हम लोग का ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, लाइक कोई भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी न्यूज होगा, न्यूज के बारे में होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ब्राउजर में या तो हम लोग का सर्च इंजिन में हम लोग टाइप करेंगे, तो एंटर करने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्टली मतलब सर्वर तक चला जाएगा, जो भी सर्वर है लाइक गूगल का सर्वर, ठीक है, तो सर्वर में चला जाएगा। जाने के बाद क्या होगा, गूगल का ऐसा बहुत मिलियंस ऑफ सर्वर है, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया ऐसे गूगल सर्वर, तो गूगल क्योंकि हम लोग सभी लोग एवरीडे गूगल्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो गूगल में जाने के बाद गूगल देखेगा कि ये जो तुम्हारा क्वेरी है वो अवेलेबल है कि नहीं, तो जब भी अवेलेबल होगा तुमको वो क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स यहाँ से सेंड कर देगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा सिस्टम में डायरेक्टली आ जाएगा अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मतलब नो फाउंड ऐसा दिखाएगा, ठीक है, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड, ऐसे कुछ मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा, अगर फाउंड है डायरेक्टली यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो ये जो गूगल, ये जो वेब सर्वर है, सर्वर के पास क्या है, बहुत सारा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जितना सारा वेब पेजेस का इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के पास ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, वो सर्वर है, ठीक है, डेटा उन लोग डेटा जितना सारा डेटा है उसके पास ऑलरेडी स्टोर है, तो इसीलिए वो कॉन्टेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। द रिजल्ट आर देन सेंड बैक टू द सर्वर, सर्वर टू यू your computer, it is always advisable to have server with dedicated functionality such as web servers, print servers and database server, ठीक है, तो ये always advisable है, जो हम लोग का सर्वर है वो किसके साथ काम, वेब सर्वर के साथ या तो प्रिंट सर्वर या तो जो डाटाबेस सर्वर है, डाटाबेस सर्वर मतलब जहां पे स्टोर होता है, ठीक है, तो ऐसा सर्वर के साथ हम लोग को हमेशा कम्युनिकेट करना है जो थोड़ा ऑथेंटिकेट सर्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंट, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट हम लोग, मतलब ये जो सर्वर हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो हम लोग क्या हो गया, हम लोग तो क्लाइंट हो गया, ये सुनो, तो ये क्लाइंट इज ए कंप्यूटर सिस्टम व्हिच यूजेस नेटवर्क टू एक्सेस द रिमोट सर्विस फ्रॉम द सर्वर, तो रिमोट सर्विस मतलब डायरेक्टली एक्सेस मिलता है, ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ पे क्लाइंट है और ये गूगल का सर्वर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग क्लाइंट हो गया, ये सुनो, तो हम लोग को डायरेक्टली रिमोट एक्सेस मिलेगा यहाँ पे, कोई भी हम लोग चीज यहाँ पे गूगल सर्वर का हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम लोग, कोई भी न्यूज का इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल, इट कैन एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर, हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग मेन सर्वर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल। ए क्लाइंट इज ऑल्सो नोन एज नोड, हम लोग क्लाइंट को क्या बोलेंगे, नोड भी बोल सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोड हमेशा याद रखना, ये नोड जो वर्ड है वो बाद में यूज होगा, ठीक है, तो क्लाइंट को हम लोग नोड भी बोल सकते हैं, क्लाइंट इज अ नोड, ओके। उसके बाद क्या होगा, कंपोनेंट्स हो गया, सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वर चाहिए, उसके बाद क्लाइंट चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से मैसेज रिक्वेस्ट होगा, सर्वर से रेस्पॉन्ड होगा, उसके बाद क्या चाहिए, बीच में क्या चाहिए, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए एक कार्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC भी बोल सकते हैं, NIC कार्ड बोल सकते हैं हम लोग। सो है क्या, हम लोग देख लेते हैं, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर है which facilitates the communication between different computers over the internet network, तो ये क्या facilities को provide करता है, communication facilities को provide करता है, ये जो card है, ठीक है, ये every computer system के अंदर में रहता है, या तो पहले जो system था उसके बाहर में रहता था, ठीक है, एक card, ऐसा एक card, ये देखो card, पहले जो computers था उसके बाहर में ऐसा card fix होता था CPU में, और आज का जो systems है वो laptop या तो जो भी मतलब computers है उसके computers के hardware के अंदर में होता है, ठीक है। The NIC identifies every single node in a network by providing a unique physical address to it. This address is stored on a chip which is mounted on the card. तो NIC क्या करता है, जितना सारा नेटवर्क में, सपोज यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर्स अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो NIC क्या करेगा, एवरी कंप्यूटर्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, उसका एक यूनिक सा कोड रहता है, तो उस कोड के हिसाब से वो लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, हम लोग उसको IP address भी बोल सकते हैं, ठीक है, थ्रू IP address हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर क्या है, ये A का कंप्यूटर है, ये B का कंप्यूटर, ये C का कंप्यूटर है, समझ में आया कि नहीं, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा IP address है, तो मतलब ये होता है, ठीक है, यूनिक फिजिकल एड्रेस बोल सकते हैं, यूनिक फिजिकल एड्रेस, ओके, जो कार्ड के अंदर में रहता है। मोड ऑफ कनेक्शन अभी हम लोग देखेंगे, कैसे कनेक्शन को किया जा सकता है, ठीक है, ये तो हो गया नेटवर्क कार्ड, ठीक है, ये हम लोग को कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ये नहीं होगा तो ये मेरा सिस्टम में नेटवर्क का कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे रहना जरूरी है ही है, मस्ट, ओके, तो बाद में क्या होगा, अभी ये तो हो गया, मेरा सिस्टम में क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया,
अभी यहाँ पे कार्ड भी हो गया, अभी बीच में क्या होगा, कुछ कम्युनिकेशन मीडियम तो चाहिए, कैसे कनेक्शन करना है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये मोड ऑफ कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिक्स ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द इंडिविजुअल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क सच एज ऑप्टिकल फाइबर, इथरनेट और वायरलेस लैन। All the nodes in a networks are connected through basic hardware components such as NIC, bridges, hubs, switches, and routers. These hardware components are further connected to each other by cable. Okay? तो जो computers है, जो network में जितना सारा millions of computers है, तो they are connected to each other. कैसे connected होगा? So वो या तो वो मतलब optical fiber से connected होगा, या तो ethernet से connect. ethernet मतलब जो हम लोग का जो lab में है cables, ethernet cables, जो simple पता है कि तुम लोग को एक grey color का एक cable होता है, तो उसको हम लोग ethernet cables बोलते हैं, ठीक है, वो cable, या तो wireless LAN, ठीक है, तो या तो satellites, तो मतलब there are different types of source, जहाँ से मतलब जो computers they are connected, okay? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो यूज होता है NIC का, ब्रिजेस, हब, स्विचेस, NIC के बारे में तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो डिवाइस के साथ अटैच रहता है, ठीक है, बाकी ब्रिजेस, हब्स और स्विचेस के बारे में हम लोग ने पढ़ाई नहीं किया, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स और जो मतलब यहाँ पे मोड क्या क्या है, जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं, इथरनेट केबल्स यूज कर सकते हैं, या तो वायरलेस लेंस, या तो हम लोग सैटेलाइट भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर कनेक्शन, ओके, सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मॉडेम। सो मॉडेम क्या है, तुम लोग ने ऐसा मॉडेम देखा होगा शायद, तो मॉडेम क्या है, मॉडेम, ए मॉडेम एनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। मॉडेम क्या होता है, एक जगह से दूसरा, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइंस होता है, ठीक है। It converts the digital signal of a computer into analog signal. ये बहुत important है। जो modem का काम है वो क्या है, digital signal को analog signal में convert करना, ठीक है? Enable their transmission via phone line. जब भी यहाँ से कोई अगर data यहाँ तक अगर A, मतलब A से अगर B तक अगर कोई data अगर transmit हो रहा है, तो modem क्या करेगा, उसको एनालॉग मतलब उसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल करके यहाँ से बीच में सेंड करेगा, फिर से यहाँ पे जो भी यहाँ पे मॉडेम रहेगा उसको फिर से एनालॉग से डिजिटल सिग्नल मतलब ट्रांसफॉर्म करके फिर से कंप्यूटर्स में उसको एंट्री करेगा, समझ में आया कि नहीं। उसका काम क्या है, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है, वियर टेलीफोन लाइंस। एट द डेस्टिनेशन द रिसीविंग मॉडेम फर्दर कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल सो दैट द डेटा कैन बी अंडरस्टूड एट द रिसीविंग एंड, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो मॉडेम रहेगा वो जो भी कंप्यूटर से जो भी डिजिटल सिग्नल निकलेगा उस सिग्नल को वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और बीच में रास्ते में ऐसे एनालॉग सिग्नल जाएगा, और बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे जो कंप्यूटर बी के पास जो मॉडेम रहेगा वो एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जो भी करेगा, क्योंकि डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करेगा तो वो मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे यूजर होगा उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉडेम का बेसिकली काम क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल ऑफ ए कंप्यूटर इनटू ए एनालॉग सिग्नल, ओके। मॉडेम्स आर अवेलेबल इन टू कैटेगरीज, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम कहाँ पे रहता है, इंटरनल मॉडेम काम्स एज अ सेपरेट पार्ट दैट इज इंस्टॉल ऑन द पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स अवेलेबल ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड में रहता है। और एक्सटर्नल जो मॉडेम है इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू ए कंप्यूटर, वो मतलब मॉडेम हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में दो रहता है, एक इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर्स के अंदर में रहता है मदरबोर्ड में, और जो सेकंड जो मॉडेम है वो हम लोग केबल से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस कॉल्ड हब। हब क्या है, ए हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइसेस, एक डिवाइस है, हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइसेस जो यूज होता है बेसिकली फॉर, जो हब होता है एक्चुअली हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, एक डिवाइस है जो बहुत सारा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली टू द नेटवर्क बाय यूजिंग केबल्स, वो केबल से कनेक्ट कर सकता है। ईच कनेक्शन इज कॉल्ड अ पोर्ट, जो भी कनेक्शन है ये देखो यहाँ पे एक हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग पोर्ट बोलेंगे। द कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग ए फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये जो
कनेक्शन है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स से वो कनेक्शन होता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये केबल्स होता है। व्हेन द हब रिसीव्स द डेटा ऑन वन ऑफ इट्स पोर्ट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा टू द अदर पोर्ट्स इन द नेटवर्क। मतलब देखो, सपोज बाहर से जो मेन जो केबल आएगा, मेन जो इंटरनेट का केबल आएगा, नेटवर्क का केबल आएगा, वो यहाँ पे अटैच होगा। उसके बाद बाकी जितना सारा कंप्यूटर्स था वो ये ऐसे अटैच होगा। तो जो भी मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जितना सारा मतलब कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड होगा, सबको मतलब वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर सपोज ये इन्फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलरली कोई भी एक कंप्यूटर्स के लिए आया था, ठीक है, तो हब क्या करेगा, उसको सबको दे देगा। समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे बहुत सारा कितना है, ए है, उसके बाद यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे सी है, उसके बाद यहाँ पे डी। तो मैंने यहाँ पे चार कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, ठीक है, हब में। तो अभी जो कोई अगर मैसेज सेंड किया मुझे, ठीक है, तो वो नेटवर्क में आएगा। तो आने के बाद उसने जो मैसेज सेंड किया था फॉर ए के लिए, ठीक है, वो जो मैसेज था फॉर ओनली फॉर ए के लिए था, तो वो हब में ऐसे आएगा। तो क्या होगा, हब क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट सबके लिए कर देगा। समझ में आएगी नहीं? वो मैसेज ए को भी मिलेगा, वो बी के लिए भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलरली कोई एक, मतलब जो भी जिसके लिए आया था उसको मिलेगा, वो सबको मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हर किसी को, हर कोई जो कंप्यूटर से, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ना, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है किसी और का इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का, ठीक है। तो इसमें एक डिसएडवांटेजेस है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टाइपिकली ए हब सेंड्स ऑल द डेटा इट रिसीव्स टू ऑल द कनेक्ट पोर्ट्स। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से ऑलरेडी एक आइडिया हो गया है कि जो भी हब रिसीव करेगा वो सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। बट स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, जैसे डीलिंग का, ये डीलिंग का स्विच है, ये थोड़ा पॉपुलर कंपनी है डीलिंग, उसका स्विच है। तो स्विच क्या होता है, स्विच सेम होता है, सेम जो इंफॉर्मेशन आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन यहाँ पे स्विच का थोड़ा इंटेलिजेंस है। स्विच कॉन्टेन मेनी पोर्ट्स टू द कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स को वो कनेक्ट करता है। दे आर सिमिलर टू हब्स, वो सिमिलर है, एकदम हब के जैसा ही है, लेकिन बट ऑफर ग्रेटर परफॉर्मेंस, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है। क्यों? व्हेन ए नेटवर्क कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, स्विचेस आर नीडेड टू इंस्टेड ऑफ हब्स टू मेक श्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस डू नॉट स्लो डाउन। Unlike hub, switches is aware of the address assigned to each of its ports and sends the incoming data it receives only to the corrected ports. अभी समझ में आएगी नहीं? तो ये सबको मतलब जो information जिसके लिए आया उसको ही वो send करेगा, ठीक है। बहुत सारा अगर thousands of computers अगर connected है hub से, ठीक है, बहुत सारा computers अगर connected है, तो वो मतलब सबको मतलब सेंड नहीं करेगा, जिसके लिए जो information आया है उसको ही वो send करेगा। समझ में आएगी नहीं? ये थोड़ा intelligence है compared to हब, ओके? तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में थोड़ा यहाँ पे आ सकता है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विचेस, ओके? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मतलब जो टॉपिक से ट्रांसमिशन मीडिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे फोन या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Have a great day.